जी अध्यक्ष जी, आज आपका अधिवेशन है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है? परिचय परिचय देते हुए गिरीश चतुर्वेदी, अध्यक्ष ग्राम विकास मिनिस्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, और हमारे बाएं तरफ प्रांतीय महामंत्री श्री शशिकांत श्रीवास्तव, ग्राम विकास मिनिस्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, और मनोज अवस्थी साहब हमारे संप्रेक्षक ग्राम विकास मिनिस्टर एसोसिएशन। जी, आज किस विषय पर चर्चा हो रही है और क्या चुनाव होगा आज? चुनाव आज नहीं होगा। चर्चा किन विषयों? चर्चा कर्मचारियों से संबंधित और जनपदों में तैनात हमारे जो जितने 75 जनपद में हमारे संगठन कार्य करते हैं, जिसका प्रदेश नेतृत्व प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री नेतृत्व करते हैं, उनकी जो भी हमारी मूल समस्याएँ जो ग्रीवांसेज, इन दो वर्षों में ठीक है जो गत चुनाव हुआ जी, गत दो वर्ष पहले जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के बाद हमारी क्या उपलब्धियां रहीं, हमने कौन से कार्य सकारात्मक किए, किसमें हमारा परफॉर्मेंस हुआ नहीं हुआ, कितने कार्य हमारे पूर्ण हुए, कितने अभी अपूर्ण हैं, हमें आगे और कैसा कदम उठाना चाहिए, वह प्रभावी कदम उठाने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश के जनपद के कोने कोने से आए हुए सम्मानित अध्यक्ष मंत्रियों के विचार सुने जाएंगे, उनके विचारों को संग्रहित करते हुए हम उस पर मंथन करेंगे और हमारी एक मांग पत्र बनेगी जो उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत होगी और विभाग अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाती है। यह एक परिपाटी है परंपरा, आज के प्रथम दिन के कार्यक्रम। शासन का कोई आदमी आपसे विज्ञापन लेने आएगा या आप देने जाएंगे? ये इसमें ज्ञापन नहीं होता, जब धरना प्रदर्शन करता ज्ञापन तक होता है स्थिति। आज तो केवल ये हमारी प्रांतीय अधिवेशन का प्रथम दिन है और कल जो है नई कार्यकारिणी का गठन होगा, उसमें हमारे जो 13 सूत्री मांग पत्र हमारी है, जो कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित है, और भी समस्याएं हैं, उनका प्रमोशन है खंड विकास अधिकारी के पदों पर, प्रशासनिक अधिकारी विश्व अधिकारी पर पदोन्नत का मसला हो, या जनपदों में पदों के सृजन का जो अभी अभाव है नहीं हो पाया वो हो, तो ये जो भी मूलभूत हमारी समस्याएँ कर्मचारियों से। रेडी रोल। शशिकांत श्रीवास्तव, प्रांतीय महामंत्री ग्राम विकास मिनिस्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज हमारा 27वां प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन है, जिसमें प्रदेश के 75 जनपद और 821 विकास खंडों के कर्मचारी, 18 क्षेत्रीय ग्राम के संस्थान कर्मचारी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन सभी कर्मचारियों की 12 सूत्री जो मांग हमारी शासन में लंबित है, कुछ प्रतीक्षारत है, उसमें विशेष चर्चा किया जाएगा कि कहाँ पे कैसे प्रयासरत किया जाए कि उसमें हो। सर्वप्रथम है विकास खंडों में प्रशासनिक अधिकारी और प्रधान सहायक के पदों का सृजन। ये प्रस्ताव हमारा सीआरडी ऑफिस से शासन को गया, शासन ने वित्त को भेज दिया। वित्त में उसमें क्वेरी किया कि कितना इस पर आय व्यय का खर्चा आएगा, वो आय व्यय का खर्चा शासन विभाग अध्यक्ष से बना के भेजा जा चुका है, और इस पर माननीय मंत्री जी के सहयोग से शीघ्र प्रयास किया जाएगा प्रदेश के 821 विकास खंडों में प्रशासनिक अधिकारी और प्रधान सहायक का पद सृजित हो जाए। दूसरी मांग हमारी है खंड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत। 1981 में 2% का कोटा लिपि कर्मचारियों का सुनिश्चित किया गया था, उसको क्रियान्वयन कराने के लिए हम लोग आंदोलनरत है। प्रमुख सचिव ग्राम विकास की अध्यक्षता में 23 जनवरी 2018 को बैठक हुई थी, फिर 25 जनवरी 2019 को बैठक हुई, जिसमें उन्होंने सहमति दी थी कि 2% कोटा हम बहाल कर देंगे, लेकिन अभी हो नहीं पाया। इसके लिए हम लोग कोई कार्यक्रम रूपरेखा कल की चुनाव के बाद किया जाएगा जो शासन को दिया जाएगा। तीसरा हमारा है विकास खंडों में कानपुर नगर और देहात में प्रशासनिक अधिकारी के पद का सृजन। इसका प्रस्ताव विभाग अध्यक्ष कार्यालय से जा चुका है, शासन में पत्रावली प्रमुख सचिव के टेबल पे आज पहुंच चुकी है। चुनाव निर्विरोध होगा? चुनाव अभी तक परिपाटी है कि निर्विरोध ही यहां पे होता रहा है। मैं 97 से प्रांतीय महामंत्री के पद पे आसीन हूं। 2 साल पहले हमारे अध्यक्ष जी आप बने थे, गिरीश चतुर्वेदी जी, इसके पहले श्री प्रकाश। ये परिपाटी हमारे यहाँ वरिष्ठता क्रम में ध्यान दिया जाता है, कर्मचारी को कौन सा संगठन के लिए सहयोग कर सकता है, कितना समय दे सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों द्वारा चयन किया जाता है।